नमस्ते, ट्रेडिशनल शैली में फिर से आपका स्वागत है। और पहले की आपने वीडियो मेरी देखी है तो वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किसी भी एज के लिए अच्छा है। उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, आपको वो फ़ायदा ही करेगी। और मैं अब दूसरा आपको बताने लगी, बच्चा आपका छोटा है तो क्या कहते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते, हीट नहीं देना चाहते तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। आप छोटा बच्चा है तो बेबी रब आप यूज़ कर सकते हैं, या बड़ा है, बड़े एज में, हमारी एज या 17-18, मतलब किसी भी एज में आप ये वाला दे सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैं आपको इस पे बता रही हूँ कि इसको निकाला, इसके अंदर डाल दिया, मतलब कम से कम आधा चम्मच या इतना इतना करके आप दो टाइम पे डाल सकते हैं। तो अभी मुझे कोई यूज़ नहीं, थोड़ा हो जाता है, ख़राब हो जाता है बर्तन, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि मैंने इसके अंदर डाल दिया। अभी इसको डालने के बाद में मैंने इसको ही लगा दिया। अब लगाने के बाद में इससे स्टीम आएगी, अब स्टीम आती रहेगी इससे। ये देखिए, आपको धुआं दिख रहा होगा, धुआं निकलने लगा है यहाँ से इसका। चालू हो गया है, चालू हो गया ये, अब इसका धुआं निकल रहा है। तो जैसे कि आप, ये बच्चा लेटा हुआ है, ये बच्चे को हमने लेटा दिया है, अभी इसकी स्टीम इधर हवा जा रही है। तो हमको ये करना है कि जब बच्चा लेटा है, सो रहा है, उसको परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नाक बंद होने लगती है, तो हमको हल्का सा कपड़ा ऊपर रख के ऐसे बच्चे को लेटाना है। हल्का सा कपड़ा ऊपर करके उसका सर ऊपर रखना है, और फिर जो स्टीम है धीरे धीरे बच्चे की दूर से थोड़ा दूर पे रखिएगा। गर्म पानी है, ये डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, ऐसे ऐसे करके ये जो स्टीम है, अभी मैं हाथ से बता रही हूँ, वरना कोई भी आपके पास पेपर हो, न्यूज़पेपर हो, किसी भी तरह की चीज़ अगर आपके पास है तो आप ऐसे ऐसे करके स्टीम आप दे सकते हो बच्चों को। तो इससे काफ़ी उसको रिलैक्स होगा और बहुत आराम मिलेगा। और अगर और जैसे कि जुकाम में हमारा ही शरीर इतना टूटने लगता है, तो शरीर में हल्का सा सरसों का तेल, लहसुन, सरसों के तेल में लहसुन की कलियां 4-5 डाल के उसको गर्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट में अजवाइन आधा चम्मच डाल के उसका तेल गर्म बन जाता है। फिर उसके बाद में उसको छान लेते हैं, और छानने के बाद में जब वो ठंडा हो जाता है तो बच्चे के सर की मालिश कर दीजिए, हाथ की मालिश कर दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, सीने पर लगा दीजिए, पैर में है उसके पैर दबा दीजिए, तो उससे काफ़ी राहत मिलेगी। और देखिए, ये चीज़ अगर आप स्टीम नहीं देना चाहते, आप काफ़ी टायर्ड हो गए हैं, आप थक गए हैं, आपकी हिम्मत नहीं हो रही, तो आप इसे रूम में ऐसे छोड़ दीजिए, लेकिन रूम बंद रहना चाहिए, जिससे कि जो इसकी महक है वो पूरे कमरे में जाएगी, तो जब हम सांस लेंगे तो वो हमारे अंदर भी जाएगी। तो बस आप अगर ऐसे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप इसको साइड में रख सकते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे पहुँच जाएगी हमारे अंदर। और हम लोग भी, अगर हमें ज़रूरत है तो विक्स डाल के ऐसे करके सांस लेंगे तो हमारी नाक खुल जाएगी, गला जो वो है, इस टाइम तो कोविड का टाइम है तो हम लोगों को एक दो टाइम तो स्टीम लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आपको ये मेरा अच्छा लगे, हाँ एक चीज़ हो रहा है अभी, अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो मैं आपको दूसरा दूसरा दिखाती हूँ कि हमारे पास इंडक्शन तो होता ही है। इंडक्शन में हमने पानी भरा, जैसे कि हमने पानी रख दिया इंडक्शन पे, पानी डालने के बाद में हमने इंडक्शन रख दिया, बर्तन रख दिया, ये तो प्लास्टिक का, ये तो मैं तो बस आपको दिखा ही रही हूँ ऐसे। तो बर्तन रख दिया, इसके अंदर विक्स डाला, पानी डाला, ये उबलने लगा, जब उबला तो इसमें से बहुत सारी स्टीम आई। स्टीम हमने बच्चे को सिर के साइड में करी, उसके जैसे उसके फेस पे जाए, उसके अंदर जाए, और जो भी बड़ा है उसके पास भी जाए। तो आप इंडक्शन से भी ऐसा कर सकती हैं, अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप गैस गैस पर आप बड़े भगोने में ये कर सकती हैं, पानी भर के उसमें विक्स डाल के आप उससे भी स्टीम ले सकती हैं और दिला सकती हैं। और थैंक यू सो मच, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो सबसे पहले कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऐसी अच्छी अच्छी टिप्स लाती रहूँगी जो आपकी यूज़ में आएगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये टिप्स बिल्कुल बेकार गई है, बस मुझे सपोर्ट करते रहिए।